अभी रात के 12 बजे हैं, बजने वाले हैं, मध्य रात्रि हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि पूरा रास्ता खाली है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो अभी भी किसान जिस प्रकार से डट करके यहाँ पे खड़े हैं वो देखने लायक है, वो एक बिल्कुल अविस्मरणीय है, वो बिल्कुल अलौकिक नज़ारा है। आपको थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि पिछले 3 दिनों से बारिश हो रही है और बहुत बारिश हो रही है, और यहाँ पे देखेंगे तो 20-20 सेंटीमीटर का कीचड़ है, यहाँ पे 20-20 सेंटीमीटर की गंदगी है यहाँ पे। और उस गंदगी के बावजूद भी अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे अभी तो बिजली आई है, बीच में बिजली भी कटी थी, मुझे लगता है सरकार ने बिजली काटी होगी, बिजली कटी थी, ठंड थी, यहाँ पे कीचड़ है और यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ठंड है। उसके बावजूद भी किसानों के अंदर अगर आप देखें तो जो जोश है, जो उनके अंदर ऊर्जा है, वो भर करके है। और ये सबसे महत्वपूर्ण ये बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार कुछ भी सोचे, कुछ भी कहे, मुझे लगता है कि किसान ये आंदोलन जीत चुके हैं। अब लड़ाई इस बात की है कि आगे हम कैसे बढ़ेंगे। अब हम हमारी लड़ाई सिर्फ किसानों की नहीं है, ये लड़ाई अब संविधान की लड़ाई है। ये लड़ाई है कि इस देश में पूंजीवादी राज करेंगे कि किसान और मजदूरों का शासन चलेगा। तो लड़ाई अब उसकी है, जो पहली लड़ाई थी वो किसान लड़के जिता चुके हैं। किसानों ने इस देश के अंदर में, अभी इस हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान को बचाने का एक बीड़ा उठाया है। मुझे लगता है कि आज पूरा हिंदुस्तान आज इस वक्त एक बहुत ही हम उस कड़ी घर पे खड़े हैं जहाँ पे मुझे लगता है कि अभी इस कड़ी पे मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान के लोगों को खड़ा होना चाहिए और ये उनकी एक नैतिक जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी इसलिए है क्योंकि आज ये लड़ाई हिंदुस्तान बचाने की लड़ाई है। और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ यहाँ पे, क्योंकि हम सुबह से यहाँ पे, पिछले 10 दिनों से हम यहाँ पे हैं और पिछले 3 दिनों से जो यहाँ पे हुआ है कि जो हालत है यहाँ पे, जो जीना है, बहुत ही मुश्किल हो रहा है। और उतना होने के बावजूद भी मुझे लगता है कि कोई भी इनके हौसलों में या फिर उनके बिल्कुल जो इनका जो पूरा माहौल है उसमें कोई कमी नहीं हुई है।